ना तो एक घर वाले एक इलाज कराउलन और ना ही आमनी के बताउलन। बस थोप दिलन हमार कपार पे। घर का बड़ा बेटा होने के नाते आपका जो कर्तव्य है वो तो आपको निभाना ही होगा। देखो निशा, आज के जमाने में सबको खुश रख के नहीं जिया जा सकता। पहले दीदिया के इलाज करा के एकर घर ठीक ठाक से बसा दा, फिर हमरा ब्याह के सोचिया। हमार बहू युवराजपुर गांव के होखी, ओकर नाम है पूजा, मास्टर मनोहर लाल के बिटिया। गुरुजी प्रणाम। खुश रहा, उन्नति करा। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। चाके बाऊजी के प्रणाम करा। का जाई वो हमरा के यहाँ देख के खुश हुई है का? पूजा, कल की तोहरो बिया होगी, भगवान करे तोहरा के बहुत निमन परिवार मिले। ओकरा बाद भी अगर तोहरा के कोई कष्ट होके तू खुद ही सह लिया, हमारे लेखा माई बाबूजी के बोल के उनकरा के कष्ट मत पहुंचाइया। अगर तुम्हार जीजा जी छोड़े छोड़ावे का बात ना करता तो हम हूं यहां ना आवती। दोष हवे ए बेबस के लाचार बीमार बेचारी के, हे जग के पालन हार बतावा कैसे कहे ई दुख आपन जाके। कमला बाबू के बात इसे लागत रहे लड़का बहुत खानदानी बा, दान दहेज में विश्वास नहीं करेला। ऐसन बात बात पिया जितना जल्दी हो जाए उतने अच्छा होखी। अच्छा, उनके आए में तभी एक सप्ताह बा, यही बीच हम कमला बाबू के मेहरारू से पता कर लेता नी कि लड़का का माई का स्वभाव कैसन हो। हम आपके पहले में कह देता नी, अगर ओकर स्वभाव नीक ना भेल ना ती शादी ना होखी। गजबे बात बा, ई कौन नया कानून निकालत है आप?
हर बहू के नजर में ओकर सास गला के कांटा हो खेले और जैसे हम निभावत है वैसे ही पूजा निभा ले। बहू और सोनी खाए खिया के झंझट तो बिल्कुल भी मत करो, चाय बिस्कुट खिया के भेज दिया जाए। सुधाकर पैसा भेज ले बा। जाना ताड़ो पीतांबर के बेटा अनिल हर सप्ताह अपन माई बाबूजी से मिले गांव आवेला। दूसरे लोग के देख के अपन बच्चा पे नाराज नहीं होके के चाहिए। आप ओकरा से फोन करके कहीं कि ओइजा कोई बढ़िया डॉक्टर देख ले, हम आरती का अच्छा से इलाज कराए के चाहते। हाँ हमार भी यह अच्छा बा, आज रात में बात करब। लेकिन दुल्हा जी से ओकर इलाज के बाद कैसे छेड़ल जाए? आरती आयल भी ऐसे ही मिले जुले दो चार दिन खातिर गोरखपुर हो आयल जाए। कहाँ बियाह आरती बिटिया? कैसन बालू बेटा? जी ठीक बानी। दुल्हा जी छोड़े आए ललन? अकेले ही आ गए रहे। अच्छा तू बिल्कुल चिंता मत करा, आज रात तेरे भैया से बात करके गोरखपुर में कौन पड़ी यहाँ जी ठीक है। साल भर बाद आपके रिटायरमेंट से जो पैसा मिली वही से पूजा का ब्याह कर दिया जाए और आरती का इलाज अभी। एक मिनट भाई, का बोल गयी तू? बोले में तो हर दांत नहीं गलत। दरवाजा का खुला छोड़ रखा है। हर पांच मिनट पर बाहर जाके झांकना जो पड़ रहा था। कई बार फोन लगाया, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दोपहर में मीटिंग में थे इसलिए फोन साइलेंट पे कर दिया था। उसके बाद फोन देखने का मौका ही नहीं मिला। अरे हाँ, गांव से ही फोन आया था। शाम से ही परेशान है वो लोग। 10 बार तो फोन मेरे पास आ चुका है। आप उन लोगों से बात कर लीजिए। कर रहे हैं, तुम पहले चाय बना कर लाओ। सुबह से काम काम सर फटा जा रहा है मेरा। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इस बीच आप बाबूजी से बात कर लीजिए। पता नहीं क्यों उनकी आवाज से लग रहा था कि वो काफी परेशान है।
हेलो ला बेटा का फोन है, बात करो। आप करें ना। हेलो प्रणाम भाई, बाबूजी बात कहना कहले। अरे नहीं माई, वो फोन बैग में रखल रहल। अब ऑफिस से लौट के देख ली तो ढेर सारा मिस कॉल रहे। अच्छा मनी ऑर्डर मिल गल रहे ना, तो फिर बाबूजी काहे परेशान बाड़न। ना बेटा, वो बाबूजी और हम सोचत रहली कि आरती के कौनो बड़ डॉक्टर के दिखा दिहल जाए। तू तो गोरखपुर में बटले बाड़ा ना, तो वही से सोचत रहली कि दो चार रोज वही ठियन रह के ओकर इलाज करा लिया जाए। ठीक सोच लूँ माई, लेकिन हम तो भोरे ही घर से निकल जानी और वापस आओ तो रात के 12 बज जाला। आज तो फिर भी जल्दी आ गई, फिर भी देखा था ही, दो चार दिन में अगर कोनो बढ़िया डॉक्टर के पता चले तो बताई। दो चार दिन बाद का है बेटा, काली भोरी में कोनो डॉक्टर के बिल लेता तो नीक रहत ना। माई आरती के स्कैन उस्कैन और बाकी जांच में अच्छा खासा खर्च हो जाए, तो अगर बाबूजी की तनख्वाह मिले के बाद प्रोग्राम बनाओ तो अच्छा रहत। माई ये बीच हमरा के भी कोनो बढ़िया डॉक्टर के बारे में पता लगावे के समय भी मिल जाए। खर्चा का फिक्र तू मत करा, आरती के इलाज में जौन भी खर्चा हुई वो हम लेके आए। तू खाली जल्दी से एक बढ़िया डॉक्टर का पता लगा ला। ठीक बा माई, देखा था नहीं। वैसे माई बनारस भी तो बगल में बा, और वजह तो और भी बढ़िया बड़े डॉक्टर बाड़न। ठीक है रखा थे। का भाई? काल सुबह बताई। झूठ भी नहीं बोल सके लू, माई बाप भाई बहन सब ओकरा खातिर पहाड़ बन गेल बड़। गोल मटोल जवाब दे दिले होखी, इतना कष्ट से पढ़ा लिखा के एक दिन खातिर बड़ कई ले रहे ओकरा के। बाबूजी इतने परेशान क्यों थे? आरती का इलाज करवाना है, इतने सालों से छोड़ रखा था, अब इलाज करवाने से क्या फायदा? इतने सालों तक आपको इलाहाबाद हॉस्टल में रखकर पढ़ाया लिखाया, खर्च हो गए होंगे पैसे, और अब जाकर कुछ पैसे बचाए होंगे तो आरती दीदी के इलाज के बारे में सोचा है। मैं तो कहती हूँ उन लोग को बुला लीजिए यहाँ। चुप रहो तुम, सिर्फ इलाज का खर्च उठा लेने से कुछ नहीं होता है। यहाँ आएंगे रहेंगे, भागदौड़ मुझे करनी पड़ेगी ना, और समय किसके पास है? दो चार हजार बचा भी लिए ना तो पूजा की शादी के बारे में सोचें, आर्थिक इलाज बाद में भी हो सकता है। पता नहीं पूजा की शादी में मुझसे कितना मांगेंगे। आपने उनसे क्या कहा? हम क्या कहेंगे, हम तो कुछ भी कहेंगे तो बुरा ही मानेंगे वो, और मानने दो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। गाँव में बैठ कर शहर में रहने की मजबूरी नहीं समझ सकते वो लोग। अरे मेरे लिए तो स्वाति की पढ़ाई का खर्चा उठाना तक मुश्किल हो गया है, और पिछले महीने की तनख्वाह जाकर मिली मिलते ही खत्म हो गई। अभी कल आएगा मकान मालिक रहने के लिए, कहां से लाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उसको मैं? और ये नौकरी, इसके छूटने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है मेरे सर, वो अलग। तो गांव ही चलिए ना, प्रभाकर के साथ मिलजुल कर खेती कर लीजिएगा। खेती कर लीजिएगा, क्यों करूं खेती मैं? बिना बिजली के एक रात नहीं रह सकती हो तुम, और तुम्हारी ये बेटी चाउमीन बर्गर खाने वाली बेटी वहां रहेगी गांव में, पढ़ेगी वहां के स्कूल में? नहीं ना। बात करती हो, वन वे ट्रैफिक बंद कर दे क्या? ना गांव जा सकता हूं और ना ही सबको खुश रख के यहां यहां शहर में सुकून से जी सकता हूं। अच्छा शांत हो जाइए, ये लीजिए चाय। अरे नहीं चाहिए चाय।
माई सच सच बतावा भैया राती में का कहलन। तू चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। माई हम पूछा तो नहीं भैया का कहलन। वो घरे का जिम्मेदारी कबो समझ ले बा, जो न समझी तो फिर आगे का सोच ले बाड़ो। माई हमरा से दीदिया के तरह चुपचाप घुटत नहीं देखल जा रहा बा।